ओम शांति। 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, पर जो शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन्हें विशेष 7 प्रकार के बंधनों से स्वयं को स्वतंत्र बनाकर सच्ची स्वतंत्रता मनानी होगी। सच्ची और सर्वांगीण स्वतंत्रता के लिए 7 प्रकार के विशेष बंधनों से मुक्त कराने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा शिव प्रजा पिता ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को अनेक युक्तियां बताते हैं, अनेक उपाय बताते हैं। जिस प्रकार मनुष्य भारत में 15 अगस्त 1947 के दिन गुलामी से आजाद होने का पर्व मनाते हैं, जिसे लगभग अभी 77 वर्ष हो चुके हैं, परंतु हम देखते हैं कि हर वर्ष जब हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रीय उत्सव मनाते हैं तो लोगों में पहले की भेंट में कम उत्साह और कम हर्ष मालूम होता है। जगह जगह लोग दुखित स्वर से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह स्वतंत्रता झूठी है, हमें इससे सुख नहीं मिलता। अतः यह एक गंभीर विचार और मूल्यांकन का विषय है कि क्या हमारी स्वतंत्रता सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता है भी या नहीं, कि हम किसी कृत्रिम नीरस और विकृत वस्तु को सच्चा मानकर पुरुषार्थहीन होकर बैठ गए हैं। सच्ची और सर्वांगीण स्वतंत्रता की व्याख्या। अब इस विषय पर हमें परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा समझाया है कि सच्ची और सर्वांगीण स्वतंत्रता में मुख्य रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता के 7 प्रकार। पहला, शारीरिक स्वतंत्रता। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा, मानसिक स्वतंत्रता। चौथा, संबंधों के बंधन से स्वतंत्रता। पांचवा, प्रकृति के बंधन और उत्पात से स्वतंत्रता। छठा, राजनीतिक स्वतंत्रता। और सातवा, गुरुओं आदि के बंधन से स्वतंत्रता। अब हम परम पिता परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या जानेंगे। शारीरिक स्वतंत्रता। हम देखते हैं कि मनुष्य को आए दिन किसी ना किसी प्रकार के छोटे बड़े रोग सताते रहते हैं, या शारीरिक दुर्बलता, अंगहीनता, दुर्घटना आदि पीड़ित करते रहते हैं, और कोई क्लेश ना हो तो बुढ़ापा ही आकर दबोच लेता है, या अकाल मृत्यु या कष्टदायक मौत ही अपने शिकंजे में डाल देती है। अगर मनुष्य स्वस्थ ना हो तो उसे जीवन नीरस और बोझिल मालूम होता है, और अन्य किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता में उसकी रुचि नहीं रहती। शारीरिक स्वतंत्रता का इतना मूल्य और महत्व है कि मनुष्य रोगों से छूटने के लिए अपना सारा धन लुटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे कि समाज में इस स्वतंत्रता की और लोगों का इतना ध्यान है कि जब कहीं दो परिचित व्यक्ति मिलते हैं या पत्र व्यवहार करते हैं तो शारीरिक कुशल मंगल
जरूर पूछते हैं। दूसरी स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य है ना पूंजीवाद से है ना साम्यवाद से है। आर्थिक स्वतंत्रता से हमारा भाव यह है कि मनुष्य निर्धनता से पीड़ित ना हो, धन की कमी के कारण वह दुखित और भ्रष्टाचारी अन्यायकारी या चोर चकार ना हो, उसके पास काफी धन हो, धन कमाना उसके लिए चिंता या दुख का विषय ना हो, उसके लिए जीवन के बड़े भाग को नष्ट ना कर दे, उसके धन पर चोरों और डाकुओं की नजर ना रहे, ना धन के बंटवारे के लिए झगड़े हो ना मुकदमे बाजी हो। धन का मूल्यांकन मनुष्य और मनुष्य के स्वमान से अधिक ना हो, और सरकार भी हर आए दिन टैक्सों द्वारा उसे तंग ना करे। आर्थिक स्वतंत्रता एक इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है कि इसके एक ना एक पहलू को लेकर आज आंदोलन होते रहते हैं और लोग शरीर भी कुर्बान कर देते हैं। तीसरी स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक हो, उसके पास धन की भी कमी ना हो, परंतु यदि उसे किसी ना किसी प्रकार की चिंता रहे तो उसका धन धान्य उसे नहीं सुहाता, वैभव और महल माणी उसे नहीं भाता। मनुष्य के मन में अगर किसी संकट अथवा दुर्घटना का भय बना रहे या उसे सोचने विचारने की स्वतंत्रता ना हो तो भी उसका जीवन दुखी हो जाता है। फिर विशेष बात तो यह है कि यदि मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष आदि किसी विकार अथवा मानसिक व्याधि के वश में हो तब तो वह एक पूरा असुर अथवा राक्षस बन जाता है और अपने तथा दूसरों के जीवन को नष्ट करने में लग जाता है। मन की खुशी बुद्धि की सात्विकता और विचारों की पवित्रता एक बहुत बड़ी चीज है और आप देखेंगे कि समाज में सुधार मनोविनोद और शिक्षा आदि के सभी साधन मन को पवित्र एवं चरित्रवान बनाने तथा खुश करने के लिए ही है। चौथी स्वतंत्रता संबंधों के बंधन से स्वतंत्रता। मनुष्य का अन्य कई एक लोगों से संबंध तो रहता ही है, वे संबंध उसके लिए सुखदायक और संबंधी सहयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं और वही संबंध उसके लिए चिंता का विषय बोझ का सामान बंधन की जंजीरें भी सिद्ध हो सकते हैं। सास बहू के झगड़े पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का विवाद बच्चों की उद्दंडता विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता कर्मचारियों की कर्तव्य विमुखता और तंग करने की नीति ऐसे कई विकृत संबंध मनुष्य की नाक में दम कर देते हैं। पत्नी कहती है कि आपका कर्तव्य है कमा कर लाना और घर की सारी सामग्री जुटाना और बाल बच्चों की समस्याओं की ओर देखना तथा मेरी आवश्यकताओं तथा आशाओं को पूरा करना। माता पिता कुछ और कर्तव्य जताते हैं, दफ्तर के अफसर कुछ और रूल जताते हैं। मनुष्य सोचता है कि सभी संबंधी स्वार्थी हैं। आज सहानुभूति और सहृदयता का संसार से जनाजा उठ चुका है। संबंध विकृत होने के कारण मनुष्य परेशान हो जाता है और आए दिन
हम देखते हैं कि मुकदमेबाजी होती रहती है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है या कई मनुष्य तो तंग आकर अपना शरीरांत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संबंधों में स्नेह सौहार्द, सहानुभूति, सहकारिता का भाव और सह अस्तित्व का यदि स्वाभाविक वातावरण हो तो मनुष्य का जीवन बहुत सुखी होता है। पांचवा बंधन, प्रकृति के बंधन और उत्पात से स्वतंत्रता। मनुष्य के पास धन भी हो और उसका शरीर भी स्वस्थ, सुंदर और सुडोल हो और संबंधों में भी स्नेह हो, परंतु यदि प्रकृति का प्रकोप उस पर बना रहे और कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी दुर्भिक्ष एवं अकाल और कभी बाढ़, कभी अग्निकांड, कभी टिड्डी दल के रूप में उस पर बना रहे तो उसका जीवन अस्त व्यस्त, संकटमय, आरक्षित और परतंत्र हो जाता है। प्रकृति का मूड मनुष्य के मूड को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता है और यदि प्रकृति मनुष्य को परेशान करती रहे तो मनुष्य अपने को हीन, दीन और पराजित, परवश तथा पराधीन सा अनुभव करने लगता है। आज हम देखते हैं कि कभी तो प्रकृति का यह हाल है कि इतनी गर्मी पड़ती है कि मनुष्य हांफने लगता है और पसीने से तरबतर हो जाता है, कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि वह ठिठुर जाता है या कप कपी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यह प्रकृति की दास्ता ही तो है कि गर्मी के वशीभूत होकर मनुष्य को पंखे और बर्फ का सहारा लेना पड़ता है और सर्दी से बचने के लिए आग की या गर्म कोट की शरण में जाना पड़ता है। तो प्रकृति के बंधनों तथा उत्पादों से स्वतंत्रता का अर्थ है प्रकृति के असंतुलन, तमोगुण, रजोगुण और आक्रमण से स्वतंत्रता। छठी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता तो सभी को ज्ञात है। राजनीतिक स्वतंत्रता में तो यह देश सैकड़ों वर्ष रहा, दूसरे देशों के लोगों ने आकर यहां का धन धान्य खूब लूटा, यहां के महल मंदिरों को बिगाड़ा और लोगों को घरों से उजाड़ा तथा उन्हें तबाह करने की कोशिश की। राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व देने के कारण ही आज हरेक देश की सरकार एक बहुत बड़ी सेना रखती है, परंतु फिर भी राजनीतिक स्वतंत्रता अखंड, निर्विघ्न, निर्विवाद तथा अटल नहीं है। पड़ोसी देशों से आक्रमण की आशंका बनी रहती है और अंदरूनी उपद्रवियों से भी तनाव बना रहता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप तो यह है कि एक अटल, अखंड, निर्विघ्न और अति सुखकारिक सार्वभौम अथवा चक्रवर्ती सत्ता हो। राज्य करने वाला जनता को अपने पुत्रों की तरह प्यारा मानने वाला और धर्मानुकूल आचरण करने वाला हो तथा प्रजा भी देवीय मर्यादा का पालन करने वाली हो तथा राजा प्रजा संबंध अत्यंत निर्मल और घनिष्ठ एवं प्रेमपूर्ण हो। सातवीं स्वतंत्रता, गुरुओं आदि के बंधन से स्वतंत्रता। आज मनुष्य स्वयं पवित्र एवं धर्म स्थित तथा दिव्य गुण संपन्न नहीं है, इसी अभाव के कारण वह गुरुओं, शास्त्रों और संकीर्ण धर्म पुजारियों की शरण में जाता है। ये गुरु चाहे स्वयं वास्तविक धर्म अर्थात उच्च धारणा से गिरे हुए
क्यों ना हूं। ये शास्त्र चाहे अंधश्रद्धा की बातें कहते हों, ये पुजारी चाहे कितने लालची और देह अभिमानी हो, वह आंखें बंद करके उनके चंगुल में चला जाता है और उनकी दासता को स्वीकार करके अधोपतन का एग्रीमेंट कर लेता है, अर्थात समझौता कर लेता है। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे पतित, देह अभिमानी, लालची, स्वार्थी, सत्तावादी व्यक्तियों के बंधन से स्वतंत्रता, जो कि सच्चे धर्म से दूर होते हुए भी स्वयं को धर्म का प्रतिनिधि अथवा आचार्य कहलाकर लोगों को अंधश्रद्धा के जाल में, अंधानुकरण में तथा कई मनुष्य कृत शास्त्रों के संकीर्ण, बेमनस्य भरे एवं हानिकारक बंधनों में बांधते हैं। क्या ऐसी सच्ची स्वतंत्रता स्वप्न है या सत्य है? ऊपर हमने ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन के आधार पर स्वतंत्रता संबंधी जिन तत्वों की व्याख्या की है, उन्हें पढ़कर शायद कई लोग सोचते कि यह सभी प्रकार की स्वतंत्रता एक साथ तो कदापि सभी को सुलभ नहीं हो सकती। वे कहते कि ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता तो मनुष्य का एक सुखद स्वप्न ही हो सकती है, परंतु यह स्वतंत्रता सत्य नहीं हो सकती। परंतु उनका ऐसा सोचना मानवी अल्पज्ञता और निराशा पर आधारित है। मनुष्य को इस सृष्टि की वह अवस्था और वह जमाना नहीं मालूम कि जब यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता सर्वतोमुखी अथवा सर्वभौम रूप में सभी को सुख शांति से संपन्न, प्रसन्न वदन और प्रसन्न चित करती थी। मनुष्य को अतीत और अनागत के भेद नहीं मालूम, क्योंकि मनुष्य के पास तो दो चर्म चक्षुओं के सिवा वह आंख नहीं है कि जिससे गत काल तथा भविष्य काल के वृत्तांतों को या दृश्यों को देखा जा सकता है। वह दिव्य नेत्र केवल एक परम पिता परमात्मा शिव के पास ही है, जिन्हें कि त्रिकालदर्शी अथवा त्रिनेत्री कहा जाता है। अब उन्हीं परम कल्याणकारी, परम स्वतंत्र, परम पिता परमात्मा ने हमें वह दिव्य चक्षु देकर दिखाया है कि उस मनोरम अतीत काल में, जिसे कि सतयुग और त्रेता युग का शुभ नाम दिया गया है, सभी नर नारी और जीव प्राणी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। तब ना तो उनकी देह रोग, बुढ़ापे या दुर्बलता के अधीन होती थी, ना मनुष्यों को आर्थिक या मानसिक परतंत्रता होती थी, ना ही प्रकृति उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या क्लेश देती। अतः उस काल के लोग सही मायनों में देवी देवता या जीवन मुक्त थे। उक्ति प्रसिद्ध है कि प्रकृति उनकी दासी थी, यथा राजा तथा प्रजा सभी देवीय मर्यादा के अनुसार बर्ताव करते थे। कोई भी निर्धन न था, उनकी कंचन काया थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख न था। वह समय अब फिर आने वाला है। हमें परम पिता परमात्मा शिव ने इस सत्यता का स्पष्ट रूप से बोध कराया है कि वह सतयुग का सुखमय जमाना अब आ चुका है। उसके लिए अब ईश्वरीय कार्य गुप्त रूप से हो रहा है। भारत के बापू गांधी जी ने
जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया था, उसको प्राप्त करने के बाद भी आज भारत में रोग, शोक, भय, निर्धनता, बेमनस्य, विकार, चिंताओं आदि आदि की परतंत्रता तो अभी भी बनी हुई है, परंतु अब ज्योतिर्स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव, जो कि सभी आत्माओं के बापू हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पुनः भारतवासियों को सहज ज्ञान तथा सहज राजयोग द्वारा पवित्र बनाकर तथा सारे संसार का जीर्णोद्धार अथवा कायाकल्प करके पुनः सच्ची स्वतंत्रता स्थापित कर रहे हैं। सभी को चाहिए कि उस ईश्वरीय कार्य की जानकारी प्राप्त करें कि वह ईश्वरीय कार्य किस प्रकार से हो रहा है और स्वयं उससे लाभान्वित हो, उसके लाभान्वित हो करके सुख शांति के भागी बने और दूसरों को लाभान्वित करने के ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। अच्छा, यही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। ओम शांति।